أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المستمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض صلوات پڑھے بار محمد والے محمد اب حضرات سے التماس سے ایک بار سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب ممتاز علی ابن رمضان علی کی روح کو ایصال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پہ حضرات گرامی قدر آج جمعہ ہے اور جمعے کے اعتبار سے میں نے جس آیہ قرآنی کو اس وقت کی مجلس میں عنوان قرار دیا ہے یہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں یہ انسان کی کم ظرفی ہے کہ انسان اس اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا لیکن بے جان شے بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں غور کریے گا عزیزان محترم چونکہ آپ جب دیکھیں گے اس مجلس کی ہیڈ لائنس تو اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ سالانہ اصلاحی مجلس تو ظاہر سی بات ہے اسی عنوان سے بحث کرنی ہے کہ ہماری اصلاح بھی اس ممبر سے ہو جائے اور یاد رکھیے گا کہ یہ مجلس حسین کوئی عام نہیں ہے یہ لوگوں کو بلا کے لوگوں کو مدعو کر کے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو در حسین پہ آ جاؤ اگر تم اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو در حسین پہ آ جاؤ اس لیے کہ جب تم اپنے نفس کی اصلاح کر لوگے تو حسینی بن جاؤ گے غور کر رہے ہیں آپ حسینی بن جاؤ گے عزیزان محترم ذرا تصور کیجئے گا انسان دور دراز سے آیا کس لیے آیا حسین کی بارگاہ میں آیا وفا کی بارگاہ میں آیا کہ ہم مولا کی زیارت کریں گے لیکن ذرا سوچئے گا اتنی دور سے آنے کے بعد بھی اسے توفیق نہیں ہوئی کہ مجلس حسین میں شرکت کرے اتنا دور دراز کا سفر کیا یہ مجلس حسین میں یہ مجلس حسین ہے کیا آپ غور کریں یہ مجلس حسین ہے کیا ایک بزرگ اپنے بیٹے کو لے کے چلا جاتے جاتے
एक दरिया के किनारे पहुंचने वाला था, कुछ फासले पे उसने अपने बेटे को एक बर्तन दिया, कहा बेटा जरा उस तालाब से, साहिल से, तालाब से जरा पानी लेके आओ। उसने बर्तन को देखा और कहा बाबा ये तो बर्तन मैला भी है और ये बर्तन में छेद भी है, सुराख भी है। तो कहा तब भी बेटा लेके आओ, भाई हमारी तरह नालायक नहीं था, फरमाबरदार था। वो गया और कहा बाप का हुक्म है, कोशिश करता हूँ। एक मतवा गया, पहली मतवा पानी में बर्तन को डाला और लेके आया, कुछ दूर चला पानी गिर गया, भाई छेद है। दूसरी मतवा कोशिश किया, कई मतबा मुसलसल कोशिश करता चला गया। याद रखिएगा मजलिसे हुसैन में आने का फायदा क्या है। कई मरतबा गया और जाहिर सी बात है सुराख की वजह से वो पानी पहुंचा ना सका। थक के एक मरतबा फिर बाबा की खिदमत में आया, कहा बाबा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सुराख है इसमें पानी मैं नहीं पहुंचा सकता। बाबा मैंने बहुत कोशिश की, मैं थक गया हूँ, मैं आपको पानी से सैराब ना कर सका। एक मतवा बाप ने मुस्कुरा के आवाज़ दी, बेटा पानी न पिलाया तो सही लेकिन बर्तन तो देख कैसा हो गया। अरे गौर कर रहे भाई, पानी नहीं पिलाया तो सही, बर्तन तो देख कैसा हो गया। कहा बाबा ये बर्तन तो बिल्कुल साफ हो गया। कहा बेटा क्यों? कहा बार बार पानी में डालने की वजह से ये बर्तन साफ हो गया। अजीजों आप समझा जिक्र हुसैन में आने का फायदा क्या है। जिक्र अहले बैत के, जिक्र अहले बैत करते रहिए, जिक्र अहले बैत सुनते रहिए, जो आपके दिल पर गर्द है वह खुद ब खुद धुल जाएगी। सलावत पर बार मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। गौर कर रहे हैं आज दिख रहा है बैत में, आइए दिल पाकीजा हो जाता है। जो गुनाहों की गर्द है वो गुनाह धुल जाते हैं। ये कोई मामूली जिक्र नहीं है अजीजा ने मोहतरम, लेकिन जरा सोचिए जो मैं आपके सामने अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अल्लाह की तस्बीह और तहलील, अल्लाह की इबादत न करें लेकिन वो अल्लाह की ज़मीन व आसमान के दरमियान जितनी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है खुदा की मखलूकात को शुमार नहीं किया जा सकता, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह की हमद व सना करती हैं। अब ये गौर करें कि जब नबी के मोजज़ात को लोगों ने देखा तो कहा भाई ये तो नबी का बहुत बड़ा मोजज़ा है। कहा भाई क्या मोजज़ा है? कहा नबी ने पत्थर से, संग्रेज़े से कलमा पढ़ा दिया। कहा इतना बड़ा मोजज़ा है नबी का। मैं आपसे गवाह बना के पूछता हूँ, ये संग्रेज़े को कलमा पढ़ाना ये मोजज़ा है? गौर कीजिए, ये संग्रेज़े को पत्थर से कलमा पढ़वाना ये मोजज़ा है? भाई मैं तो इसे मोजज़ा तस्लीम ही नहीं करता। भाई क्यों? इसलिए कि जब यही आयत जो मैंने सूरह जुमा की पढ़ी है, ये खुद आयत चीख चीख के कह रही है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह की हमदो सेना करती है, तो हमदो सेना तो पत्थर भी करता है, तो इसमें मोजज़ा क्या है? गौर कर रहे तमाम चीजें कर रही हैं तो इसमें मोजज़ा क्या है? मोजज़ा ये नहीं, मोजज़ा ये है आज ये पत्थर अल्लाह की हमदो सेना करती है या नहीं। ये पत्थर, दरख्त, अशजार, जितनी चीजें हैं वो सब अल्लाह की हमदो सेना कर रही है, लेकिन हमें कोई बताए कि आपको सुनाई दे रहा है? कोई हमें बता दे ये तस्बीह और तहलील की सदा हमारे कानों में सुनाई जा रही हो कि भाई हाँ हमने सुन लिया कि ये अल्लाह की हमदो सना करती हैं। तो तस्बीह का, तस्बीह इलाही करना पत्थर का, ये मोजज़ा रिसालत नहीं है।
उस कलमे की सदा को अबू जहल जैसे के कानों में पहुंचा देना, ये मौजज़ा है, रसालत है। सलावत पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सुभान अल्लाह, सलावत पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो ये मौजज़ा है, रिसालत है। अच्छा ये बताइए, जब नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या था? सबसे बड़ा एक अजलास रखा गया था, मैं भी वहाँ गया था, तो मैंने सिर्फ एक ही जुमला कहा था दो मिनट के अंदर, क्योंकि वक्त नहीं था। दो मिनट के अंदर नबी के मौजज़ात पे बहस किया, तो उसमें मैं भी बस एक ही सवाल किया था जो मैं इस वक्त आपके सामने बयान कर रहा हूँ। नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? संग्रेज़े को कलमा पढ़ाना, या उसकी आवाज़ को मुनाफिकों के कानों में पहुँचाना? नबी का बड़ा मौजज़ा ये है कि दरख्त चल के आ जाना, उस सलामी को खम हो जाना, ये नबी का मौजज़ा। नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि 360 खुदाओं का तसव्वुर जहन से निकाल कर एक खुदा का सजदा करा देना। आज हमारे समाज में कुरान है, हदीस है, उलमा की तारीखें हैं, और पूरे 124,000 अम्बिया की, 12 इमामों की, सहाबा की, जितने भी तारीख उठाकर देख लीजिए, करबला हमारे सामने सब कुछ है। लेकिन अगर हमारे समाज में अगर एक गलत रस्म राइज हो जाए तो हम उस रस्म को नहीं छोड़ा सकते। गौर कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है। अहले बैत का किरदार है, अम्बिया की किरदार है, कुरान है, सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद हम एक रस्म, गलत रस्म को अपने समाज से नहीं निकाल सकते। लेकिन जरा सोचिए, उस अल्लाह के हबीब ने कैसा कारनामा अंजाम दिया कि वो एक खुदा का सजदा करा दिया। यह है ये कमाल की बात नहीं? खुद आप अपने माशरा का मुआयना करें, उसके बाद खुद तजिया निकालें कि यह बात सही है या गलत। कुछ नहीं था मगर 360 खुदाओं का, लेकिन किया कैसे पैगंबर ने? कहा भाई ये कई ये रिस्क देने वाले खुदा है। कहा तुम इन्हें देते हो या वो तुम्हें देते हैं? कहा नहीं, इन्हें खिलाते पिलाते, दूध वगैरह तो हमें पिलाते हैं। कहा तुम इनके खुदा हुए या वो तुम्हारे खुदा हुए? भाई ये कहा ये मैदान जंग वाले हैं। कहा तुम इन्हें लेके जाते हो या वो तुम्हें लेके जाते हैं? कहा सरकार हम ही लेके चले जाते हैं। तो 360 या 365 खुदाओं की तारीफ पैगंबर इस्लाम ने सुनी, और सुनने के बाद जो जुमला कहा, कहा तुम्हारा खुदा में और हमारे खुदा में फर्क यही है। अरे मेरे साथ बेदार रहिएगा, कहा तुम्हारे खुदा में और हमारे खुदा में फर्क क्या यही है? कहा वो फर्क क्या है? कहा तुम्हारा खुदा वो है जो तुम्हारा मोहताज है, हमारा खुदा वो है जिसकी कायनात मोहताज है। हमारा खुदा वो है जिसकी कायनात मोहताज है, वो कायनात का मोहताज नहीं है। जब नबी ने ऐसे किरदार बयान किए, अपने अल्लाह के सफात को बयान किया है, तब लोगों ने तसव्वुर किया यकीनन इनका खुदा इस बात के कायल है कि उसको दिल से कबूल किया जाए। तब उन्होंने धीरे धीरे
65 365 या 60 खुदाओं को निकाला और एक खुदा का सजदा कराया। अब जरा सोचिए, अब जब ये कायनात उसकी है, कायनात में कितने हसीन और जमील चीज़ें अल्लाह ने पैदा किया, किसके लिए? इंसानों के लिए। अब जरा तसव्वुर कीजिएगा, आप हजरात यहाँ आए हैं किसकी बारगाह में? बाबुल हवाइज की बारगाह में। ये बाबुल हवाइज कोई हमारे दिए हुए अलकाब नहीं हैं, ये मासूम के दिए हुए अलकाब हैं। और मासूम किसी को बेजा अलकाब नहीं देता। जाइए अगर कहीं पे भी, इतनी मुकद्दस हस्ती कायनात में नहीं मिल सकती। उस अल्लाह का जितना भी आप शुक्रिया अदा करें, वह उस हम अदा नहीं कर सकते। कहा क्यों? इसलिए कि उस अल्लाह ने अहले बैत जैसी शख्सियत इस कायनात में भेज के इसलिए भेजा कि हम सीधा रास्ता पा जाएं, हम गुमराही से बच जाएं। अजीजों गौर करें, ये बहुत पहले का वाकयात है जब यहाँ पे मौजज़े हुए थे। आप हजरात के ज़हन आलिया में ये बात है जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। बहुत पहले ये मौजज़ात हैं जब एक शख्स को जो गलत काम कर रहा था, गाना सुन रहा था, और उसके बाद एक सवारी आई है, मुझे इसी पे बहस करनी है। वो सवारी उस दौर के लोगों ने बताया कि ये जो दरख्त है ना, दरख्त जो उस वक्त मौजूद थे, वो ऐसे खिले हुए थे कि जैसे महसूस हो रहा था कि जिससे हम मोहब्बत का दावा करते हैं वो हमारी निगाहों के सामने है। पूरा वो दरख्त झुके हुए थे। ये कोई नई बात नहीं है, जिसे खुदा पैगंबर ने नहीं फरमाया जो अली का गुलाम होता है कायनात उसकी गुलाम होती है। और याद रखिएगा, लोगों को गुलाम बनाना और है, अली से गुलामी का सनद लेना और है। लोग खाली सोचते हैं गुलाम, जो अली का गुलाम होता है कायनात उसकी गुलाम हो जाती है। तो ये अली का गुलाम नहीं, अली का बेटा आया था जो अपना अख्तियार दिखा रहा था कि हम इंसानों को तो जब चाहें हम कुछ कर्मा पढ़ा सकते हैं अगर हमें अख्तियार मिल जाए। पहचानो, हम उस अली के वारिस हैं कि जिसने अपनी आगोश में खिलाया है। जब हमारी सवारी भी आ जाती है तो दरख्त ताजीम के लिए झुक जाते हैं। पहचाने ये मौजज़ात, ये जो मौजज़े हुए, कितनों की किस्मतें बदल दिया जहां पे इनके कदम पड़ते हैं। आप खुद सोचें, विलादत रसूल से पहले मदीने की तारीख क्या थी और विलादत रसूल के बाद मदीने की तारीख क्या बनी? मुलाजा फरमाते रहिएगा, गुमराहियों में मुब्तला था अरब, पैगंबर ने निकाला। और आज, आज भी कदम के, मोहम्मद के कदम पाए से लोग आज भी दस्तयाब हो रहे हैं। लेकिन ये उनकी कमजरफी है कि उनका एहसान मानने के बजाय उनके ऊपर तोहमतें लगाते हैं। एहसान माने उनका जो नबी के कदम जब पड़े हैं सरजमीन मक्का पे या सरजमीन मदीना पे, अल्लाह ने उनकी किस्मतें बदल दिया। ये वो हैं जो किस्मतें बदलते हैं। मौला की सवारी, अब तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए कोई हाजतें लेके, कोई दुआएं लेकर, कोई अपनी तमन्नाएं लेकर, मौला सकीना का वास्ता हमारी गोदियों को आबाद रखे। मैं इस मिंबर से दुआ कराता हूँ, परवरदिगार जितने जायरीन हुसैन
इस मौके पर आए हुए हैं बाबुल हवाइज की बारगाह मुकद्दस में जहरा की टूटी हुई पसलियों के तोफ़ैल में उनकी हाजातें उनकी दुआएं परवरदिगार पूरी फरमा दे। मेरे अजीज़ो याद रखिएगा, यह इंसान की कमज़रफ़ी है कि जब इंसान किसी को कुछ देता है तो एहसान जताता है, अगर मैं ना देता तो तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन ये वो बारगाह है जहाँ पे मिलता है तो एहसान नहीं जताता। और ये भी एक फ़र्क है कि जब आप किसी से एहसान लें तो आप उसे बताते नहीं हैं कि इसने मुझे ऊपर एहसान किया है, लेकिन अगर इन दरगाहों से अगर मिल जाए, इंसान सीना चौड़ा करके कहता है हमें अब्बास ने अता किया, हमें हुसैन ने अता किया, हमें इस मुकद्दस हस्ती ने अता किया। भाई ये करता क्यों है? का इसलिए कि ये दे के वापस नहीं लेते। सलावत पर बार मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये मुकद्दस हस्ती है, देने के बाद वापस नहीं लेते। भाई आप क्या हैं? जाइए देखिए, तारीख पढ़िए, कितने लोगों को दिया। ये हमारे जरा मेरी तरफ मुतवज्जे रहे कि हमारे ये वजूद को देखें ना, अपने वजूद को। इंसान खुद मारफत खुदा हासिल करे, अपना वजूद देखिए। अल्लाह ने हाथ दिया, पाबंदी लगाई, बताइए अल्लाह ने हाथ दिया है ना, इसमें पाबंदियां लगाई। अल्लाह ने पैर दिया, इसमें पाबंदियां लगाई। पूरे आजाए जवारे में जो जाहरी तौर पर इंसान के अंदर हैं, उसमें अल्लाह ने एक जुबान दिया है जिसके ऊपर अल्लाह ने पाबंदियां लगाई। गौर कर रहे हैं आप? एक जुबान है जिसके अंदर अल्लाह ने, जिसके ऊपर पहरा बैठाया, जिसके ऊपर अल्लाह ने पाबंदियां लगाई, जिसको कैद कर दिया। भाई ये जुबान के ऊपर पाबंदियां क्यों? कहा मैं तुम्हें हाथ दूंगा मुख्तार बनाऊंगा, पैर दूंगा मुख्तार बनाऊंगा, पूरे आजा दूंगा मुख्तार बनाऊंगा, हत्ता कि हम तुम्हें दिल भी देंगे मुख्तार बनाएंगे, जिसे चाहे मोहब्बत करना, मगर याद रखना मोहब्बत उसी से करना जिससे करने में इज्जत मिले। सलावत पर बार मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। दिल भी अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने दिल भी दिया लेकिन आजाद रखा। हम तुम्हें अख्तियार देते हैं जिससे चाहो उससे मोहब्बत करो, मगर इतना याद रखना मोहब्बत उसी से करना जो तुम्हारे लिए इज्जत का सबब बने, मोहब्बत उसी से करना जो तुम्हारे लिए जिल्लत का सबब ना बने। जो इंसान खुद अपनी कश्ती को पार न लगा सके, अरे मेरे साथ तो रहिए भाई, जो इंसान जो अपनी कश्ती को साहिल के किनारे न पहुंचा सके, वो उम्मत की कश्ती क्या पहुंचाएगा? उसी से मोहब्बत करना जो तुम्हारे लिए इज्जत का सबब बने। तो दिल को भी अल्लाह ने पाबंदियां नहीं लगाई, हाँ कुरान में आयतें उतार दी कि अहले बैत से मोहब्बत करो अगर अजरे रिसालत अदा करना चाहते हो तो। अल्लाह ने हर चीज आजा जवारे दिया, अल्लाह ने किसी के ऊपर कोई पाबंदियां नहीं लगाई, लेकिन जुबान दिया अल्लाह ने पाबंदियां लगाई। आप खुद मुलाहजा फरमा, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हमारे सामने कितनी पाबंदियां लगाई, पहले दो होठों को, दो होठों को पाबंद, इस पे भी काम नहीं चला तो 32 दांतों को कैद लगाया कि इसके अंदर रहे। भाई परवरदिगार ए मेरे खालिक, इतना करने की जरूरत क्या है? का याद रखना
अगर आतंकवाद को खुला छोड़ दे, अरे मेरे साथ नहीं है, अगर आतंकवाद को खुला छोड़ दे तो वो समाज में दहशत फैलाता रहेगा। ये तुम्हारी जुबान आतंकवाद है। ये परवरदिगार मतलब क्या है? कहा कैद में इसलिए रखा है तुम्हारी जुबान को ताकि ये जुबान को हद मुअय्यन रहे, इसलिए कि फसादी शय को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो माशरा मुंतशिर हो जाता है। तो पहले 32 जातों का, मगर इतना कैद में रहने के बावजूद भी आप जरा मुलाजा फरमाएं, एक जुबान को देख ले खुद बखुद समझ में आ जाएगा कि अहले बैत क्या है। कहा क्यों? कहा ये फसादी शय है, जुबान ही वो है जो एक भाई को भाई से लड़वा देती है, जुबानी वो है। और हुक्मा ने ये कहा है कि तलवार का जख्म तो भर जाता है लेकिन जुबान का दिया हुआ जख्म नहीं भरता, इतनी दहशतगर्द है जुबान। और ये नहीं खाली, आप अपोजिट ही देखिए, इसका मोहब्बत का पैगाम भी देख लीजिए कि इतनी नरमी और चाशनी से अगर बोल दिया जाए तो दुश्मन भी अपना हो जाता है, दोनों है इसके। तो अब परवरदिगार इसको कैद क्यों? अब ये देखिए इतनी कैद है ना, ये जुबान मेहरबान कितनी है। आप खाना खाते हैं ना, खाना खाइए, अगर दांतों में कुछ फंस जाए, मतवज्जे है ना मेरी तरफ, अगर दांतों में कोई चीज फंस जाए तो हाथ मदद के लिए पहले नहीं जाता। अरे मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ रहिए। अगर दांतों में कोई चीज रेशा फंस जाए तो हाथ पहले मदद के लिए नहीं जाता, पहले मदद के लिए जुबान पहुंचती है। और ये जब तक वो रेशा निकल ना जाए उस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठती। और ये भी देख लीजिए कि जुबान जहां बाहर निकली फौरन दांतों ने काटना शुरू कर दिया, गोया उसे चैलेंज कर रहे हैं अपने कटघरे मेरा बाहर न निकलना है ना। अपुन मलाजा फरमाए क्या हद मेरा, जहां जुबान बाहर निकली फौरन दांतों ने अजियत देना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो दांतों के ऊपर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हुई जुबान फौरन मदद के लिए पहुंची। शायद अल्लाह बताना चाहता है कि जुबान को मुसलसल पड़ोसी अजियत तो देते हैं लेकिन जब पड़ोसी मुश्किल में हो तो जुबान फौरन मदद के लिए निकल जाती है। तो जरा सोचो जब एक बशर की जुबान इतनी रहम दिल है तो जिसे मैंने रिसालुल्लाह बनाकर भेजा, सलावत पढ़े बन मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, जिसे मैंने रिसालुल्लाह बनाकर भेजा तो वह कितना रहम दिल होगा। यही वजह थी कि नबी को, अली को परेशानियां अजियतें देते रहे मगर अली मदद के लिए पहुंचते रहे। भाई क्यों? इसलिए कि अली को जो इमाम बनाया था वो दुनिया की समर्थन ने नहीं बनाया था, खुदा ने बनाकर भेजा था। जो दुनिया का इमाम होता है वो लोगों को सोचता है कि लोग मुझे अपना इमाम माने, मुझे इस ओहदे को कबूल करें, लेकिन जो इलाही मनसब है, जो अल्लाह की तरफ से लेके आया है, उसे दुनिया चाहे माने चाहे न माने, वो इमाम है तो इमाम है। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, आप मिसाल देखें करबला की तारीख उठा के, ये कोई तारीख करबला कोई आम तारीख नहीं है। करबला कर भी हिदायत थी, करबला आज भी हिदायत है और ता कयामत करबला हिदायत करती रहेगी।
ये करबला की तारीख हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि आओ और गमे हुसैन में आंसू बहा लो और चले जाओ। करबला की तारीख हमें बताती है कि किरदार ऐसा पेश करो कि साथ में रहने वाला अगर कुछ दूर के फासले पर भी चले तो जब इमाम उसे बुलाए तो वह हाजिर हो जाए। जबर कैद का वाकया पढ़ लीजिए। करबला हमें आज भी सबक दे रही है, निदा दे रही है कि आओ हमसे वाबस्ता हो जाओ। हमसे वाबस्ता हो जाओगे हम तुम्हें जिंदगी अता कर देंगे। एक सलवात पढ़े बन मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बलंद तरीन सलवात पढ़े बन मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आइए आइए आइए। एक और मौलाना के इस्तकबाल के लिए सलवा आ जाइए। किबला ऊपर आ जाइए। अरे आ जाइए। तो करबला की तारीख हमें आज भी आवाज दे रही है, आओ हमारा दिल कुशादा है, आ जाओ और आकर हमारे सीने में सवार हो जाओ, हम तुम्हें निजात दिलाने के लिए आमादा हैं। अब यह इंसान की यह दरगाह आलिया तमाम लोगों के लिए खुला हुआ है, ना कोई मजहब ना मिल्लत किसी चीज़ की किसी कौम की कैद नहीं है। आ जाओ, दुआएं चाहते हो इस दरवाजे पे आ जाओ, बच्चा चाहते हो इस दरवाजे पे आ जाओ, दौलत चाहते हो इस दरवाजे पे आ जाओ। क्यों? इसलिए कि हमें बाबुल हवाइज उम्मत ने नहीं बनाया, इमाम ने बनाया है। हमें बाबुल हवाइज उम्मत ने नहीं बनाया, इमाम ने बनाया है, इमाम ने अलकाब दिया है। अजीजो, मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, दो तीन जुमले मसाइब के पढ़ूंगा, गुफ्तगु तमाम कर दूंगा। जरा सोचें, वो गाजी जिसकी खिलकत ही करबला के लिए हुई, जरा सोचिए कि आज एक भाई बहन को अपने भाई पे नाज होता है ना। मैं वक्त नहीं है वरना मैं आपके सामने अर्ज करता कि ज़ैनब में और अब्बास ने में मुनासिबत क्या थी, कितनी मोहब्बत थी। अजीज़ो, जरा सोचिए कि एक भाई को अपनी बहन से या बहन को अपने भाई पे नाज होता है। जब हमारे जैसी बहनें अपने भाई पर फ़ख्र करती हैं तो जरा तसव्वुर कीजिएगा ज़ैनब अपने भाई अब्बास पे कितना फ़ख्र करती होंगी। और शायद यही वजह थी कि जब अब्बास आए हैं ना और कहा आका मुझे मरने की इजाज़त दीजिए ना, तो क़यामत के जुमले हैं। अजीज़ों, ज़रा सोचिएगा कि एक मतबा ज़ैनब ने, मैं मसाइब को भी मैंने कहा दो जुमले तीन जुमले पढ़ूंगा उसके बाद मसाइब ख़त्म कर दूंगा, क्या कहा अब्बास को बुला के। जब ज़ैनब ने अब्बास को बुलाया, बीबियों का घेरा बनाया, और एक मर्तबा अली की बेटी ने बीबियों के सामने हाथों को जोड़ा और कहा बीबियों मुझ ज़ैनब को माफ़ कर देना, इसलिए कि जब यह काफिला 28 सफ़र को मदीने से चला था तो मैंने कहा था तुम्हारे पर्दे की मुहाफिज ज़ैनब करेगी, इसलिए कि अब्बास मौजूद था। लेकिन ऐ बीबियों, अब ये मेरा भाई अब्बास जा रहा है, अगर आज अब्बास से निकले हैं, जब फुरात पे आए हैं ना, तारीख के जुमले हैं, जब फुरात पे आए हैं ना तो लश्कर ऐसे फट रही थे जैसे काई फट रही हो। अजीजो, अब्बास ने फुरात में कदम रखा है, और याद रखिएगा तारीख के जुमले हैं ना, अब्बास घोड़े से ज़मीने करबला पे नहीं आए फुरात पे, कम से कम अब्बास ने घोड़े पे सवार होते हुए मशके सकीना को भरा है।
कम से कम साहिल के किनारे नहीं, बीच दरिया में इतना अब्बास लेके गए थे कि बैठे बैठे मस्के सकीना को भरा है फुरात से। जब पलटे हैं ना, जरा मुनाजा कीजिएगा, जब बुलंदी के पस्ती की तरफ से आए ना तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब पस्ती से बुलंदी की तरफ चला जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। वही वो लम्हा था कि जब सरदार यजीद लश्कर कह रहा था, अरे अब समेट जाओ, इसलिए कि अब्बास साहिल के किनारे उतर चुका। अजरुकमर अल्लाह, अब्बास बुलंदी पे आए हैं, खैमे का रुख किया है, एक बाजू कलम हुआ, दूसरा बाजू कलम हुआ, दिल में हसरत थी पानी सकीना तक खैमे तक पहुंच जाए, लेकिन तारीख ने लिखा एक मरून ने ऐसा तीर मारा कि अरे मस्के सकीना पे लगा, अरे ये अब्बास का, अरे ये मस्के सकीना से पानी नहीं, अब्बास का अरमान, अरे जमीन करबला पे गिरे, आवादी आका गुलाम की खबर लीजिए। अल्लाह कौम जालिमुन से आलम।